देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की पूरी बधाई, पूरा देश आज उनको मुबारकबाद दे रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो बेशक जो भारत का जो भविष्य है, माननीय अखिलेश जी में भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अपना भविष्य देखती है, और एक दिन उन्हें इस सफर में आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए जो समाजवादी पार्टी को जो विचारधारा पे जो खड़ी करने की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने ली है कि पार्टी विचारधारा पर, पार्टी वसूलों पर, पार्टी सिद्धांतों पर खड़ी हो, और ये जो आरएसएस बीजेपी का जो पूरा अधिनायकवाद है, लोकतंत्र पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, आईन पे जो हमले हैं, इससे लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है, और प्राइम मिनिस्टर इसके सामने बहुत छोटी बात हो जाती है जब देश बचाने की बात हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 2024 में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो विपक्ष से होगा। अखिलेश यादव ने इंडिया एलायंस पर आज अपनी बात रखी और बेहद मजबूती के साथ रखते हुए कहा कि जो एलायंस है हमारा वो काफी मजबूत है, किसी भी तरह का कोई मतभेद एलायंस के अंदर नहीं है। जो विपक्षी दल हैं वो सब एकजुट हो चुके हैं। बीजेपी जो कहा जा रहा है वो सब झूठ है। वी होप दैट पीपल ऑफ उत्तराखंड विल कम टुगेदर विद दी समाजवादी पार्टी। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी, ये देश के दो बड़े विपक्ष के फिगर हैं जो युवाओं में दो बड़ी शक्तियां हैं, और अखिलेश जी ने जिम्मेदारी सिर्फ 2024 में पोस्ट की, पोजीशन की, नंबर्स की लड़ाई नहीं है। इन दोनों लोगों ने ये तय किया है कि अपने अपने राज्यों में जहां जहां पे हमारा जनाधार है वहां पे समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश जी ने तय किया कि हम बहुत शक्ति के साथ इस सांप्रदायिक ताकत से लड़ेंगे, और राहुल जी के साथ जो एक बड़ी लड़ाई भारत की है, मिलके हम सब लोगों को उसमें लड़ना है। तो कहीं यूनिटी एंड स्ट्रगल की बुनियाद पे तो कुछ बातों में डिफरेंसेस हो सकते हैं कि सोशलिस्टों का और जो मध्य मार्गी पार्टियां हैं उनके बीच में कुछ विचारधाराओं की बातचीत अलग हो सकती है, लेकिन जब देश की बचाने की बात और गांधी, नेहरू और डॉक्टर लोहिया के सपनों के भारत की बनाने की बात हो, तो माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी आगे आने वाले दिनों में आपको साथ नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े साथ मौर्य उनका भी एक बयान सामने आया इंडिया अलायंस को लेकर, साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर जो बहस चल रही है 2024 को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्या जी, या पूरे देश की जो ताकत है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो 20 घंटे जाग के सारे संसाधनों को बेचने का काम किया, अपने अमीर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया, इस देश में आप सोचिए कि 80 करोड़ हिंदू राशन के लेवल में पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, इतना हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया है कि 80 करोड़ हिंदू भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक उसकी दयनीय स्थिति नहीं हुई है। तो नरेंद्र मोदी के जो अमीर दोस्त हैं वो तो अमीर हो गए, लेकिन जिस हिंदुत्व के नाम पे वो आए थे, वो हिंदू हमारे भारत का भोला भाला, 80 करोड़ लोग राशन में झोला लेके खड़े हुए हैं। तो लड़ाई बड़ी है, स्वामी प्रसाद मौर्या जी जो कह रहे हो, या पूरे देश के लोग, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात बोल रहे हो, हमारा ये कहना है कि ये लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम में जो लाखों लाख जो हमारे शहीद लोग हुए हैं उनके सपने की बचाने की लड़ाई है। हरा हाँ कर देने सिख वाली लो, तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर 106 जो हैं काफी बड़ी संख्या में ट्रैम्पलिंग डाउन करके आए हैं, नजर आए हैं इंडियन फ्लैग को, जो काउंसलेट है वैंकूवर में उसके बाहर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हम इस मामले में प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। जब भारत की विदेश नीति की बात आए, भारत की एम्बेसी पर या भारत की गरिमा पे कोई आंच आती है, तो समाजवादी पार्टी का गुस्सा आता है हमको। लेकिन हम माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप दुनिया में जब जाते हो, या आपका एनएसए अजीत डोवल जो आपका बड़ा बड़ा इवेंट कराते हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।